हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक और फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मेरे पास है रेडमी नोट 7 प्रो, और गाइस इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप यदि कम मिल रहा है दोस्तों, आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, तो इसका सोल्यूशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपका जो बैटरी बैकअप वो आपका बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैटरी बैकअप है वो मुझे बहुत ही कम मिल रहा है दोस्तों। कुछ देर पहले ये फ़ोन 70% के आसपास चार्ज था, और अभी देख सकते हैं 57%, और लगभग मुझे 15-20 मिनट हुए चार्ज किए हैं और दोस्तों निकाले हुए। सो गाइस, जिसको मैं अभी आपको जो इसके कुछ आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा दोस्तों आप अपनी बैटरी बैकअप को अच्छे तरीके से ओपी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर आपका कंट्रोल सेंटर, उसको ओपन करना है। ओपन करने पर दोस्तों आपके यहाँ पर जैसे लोकेशन होता है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये चीज़ दोस्तों ऑन रहती है। उसी साथ दोस्तों यदि आपका ऑटो ब्राइटनेस भी ऑन है तो इनको दोस्तों आपको बंद कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो लोकेशन वाला आ रही है, जो ऑटो ब्राइटनेस, ब्लूटूथ, वाईफाई है, इनको यदि आप जब काम में नहीं रहते हो फिर भी दोस्तों इसको चालू रखते हो तो ये क्या करते हैं, बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जिस कारण से इसको तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद गए दूसरी यहाँ पर सेटिंग आपको बताने वाला वो है। उसके बाद गए आपको क्या करना है, आपको ऊपर आना और यहाँ पर आपको सेटिंग में चला जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये अप्लाई करने के बाद आपका जो बैटरी बैकअप वो आपको अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन का दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों जिस भी एप्लीकेशन को आपने लोकेशन की परमिशन दे रखी है उसको अलाउ नहीं करके दोस्तों डेने कर दीजिए। जी दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये कर दिया है। तो गाइस आपको यहाँ पर ये कर देना है, क्या दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को लोकेशन की परमिशन ना रहे, ताकि वो आपकी लोकेशन को ट्रैक ना कर सके। और दोस्तों ये लोकेशन वाली जो एप्लीकेशन जितने भी आपका लोकेशन की परमिशन मांगती है, उसे भी दोस्तों बैटरी को बैकग्राउंड में कंज्यूम करती है। सो गाइस, यहाँ पर मैं इन सभी की जो एक बार से लोकेशन की परमिशन हटा देता हूँ। और दोस्तों इसके बाद आपको दूसरी यहाँ तीसरी ट्रिक दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पर नीचे आना और स्पेशल परमिशन पे आना है। इस पे आने पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक देख सकते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी ऐप आपके नोट ऑप्टिमाइज है उनको आपको ऑप्टिमाइज कर देना। जैसे दोस्तों एनालिटिक्स में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए डोंट ऑप्टिमाइज आ रहा है, ऊपर आपको ऑप्टिमाइज पे क्लिक करके डन कर देना है। जितने भी दोस्तों यहाँ पर ऐप ऑप्टिमाइज मांग रहे हैं उन सभी के लिए आपको ऑप्टिमाइज कर देना है, ताकि दोस्तों यदि ये ऐप ऑप्टिमाइज होते हैं तो उसके बाद ये पीछे दोस्तों बैकग्राउंड में रन नहीं करते हैं और आपकी जो बैटरी है उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। दोस्तों मैं इन सभी को क्या करता हूँ, एक बार के लिए ऑप्टिमाइज कर देता हूँ आप सभी के सामने। और दोस्तों ये होने के बाद दोस्तों जो बैटरी का बैकअप है वो अच्छा खासा चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद गाइस एक और ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि दोस्तों आपको बार बार कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इन सभी को ऑप्टिमाइज कर दिया है। उसके बाद गाइस आपको तीसरी ट्रिक क्या है वो आपको बताता हूँ। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों आपका सिक्योरिटी वाला जो यहाँ पर जो ऐप है उसके अंदर आपको आ जाना है। जैसे दोस्तों ये देख सिक्योरिटी, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मैं यदि बैटरी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितनी परसेंट बैटरी आपकी ड्रेन हो रही है, कितनी परसेंट बैटरी आपकी यूज़ हो रही है। तो गाइस देख सकते हैं मेरी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन हो रही है, वो भी स्क्रीन के द्वारा। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि या तो आप फुल ब्राइटनेस रखो या फिर ऑटो ब्राइटनेस ना रखो, फुल ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, और डार्क मोड रखने पर आपकी जो बैटरी है वो आपका जो है वो पर बैकअप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर आना और यहाँ पर डाटा यूजेज पर क्लिक करना है, रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज। जी हाँ दोस्तों, ये डालने के बाद जितने भी ऐप आपके हैं वो पीछे बैकग्राउंड पे रन नहीं करेंगे, इन डाटा का जो परमिशन है वो नहीं लेंगे। और दोस्तों जैसे ये डाटा का परमिशन लेते हैं तो उसके साथ साथ बैटरी के परफॉर्मेंस को भी कंज्यूम करते हैं, तो इनको आप बंद कर देना जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं। साथ दोस्तों इसकी वजह से आपका डाटा है वो बचा रहेगा, ताकि दोस्तों आपका जो डाटा भी नहीं लगे और आपकी बैटरी का बैकअप भी कम न हो। तो गाइस मैं इन सब के जो मैं काम में नहीं लेता हूँ उन सब के मैं बंद कर देता हूँ, और जिनको मैं काम में लेता हूँ उनके जो परफॉर्मेंस जो डाटा कनेक्शन है वो चालू रखता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी दोस्तों, जिसके द्वारा आप अपने बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। ऊपर के दोस्तों यहाँ पर लोकेशन किसी भी चीज़ को बिना काम के और नहीं रखना है, ताकि दोस्तों आपका बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल सके। तो गाइस ये था कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आप ये ट्रिक यूज़ करके मुझे बताना कि आपके बैटरी बैकअप के अंदर कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो गाइस अगले वीडियो मिलता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।